अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जैसे कि पिटारा को बहुत ज़्यादा चलन होती है कि लोग ये क्यों बोलते हैं कि कौतर के नाम से तेरा चैनल चला है, तो चलो भाई, हम तो हेटर थे ना, हम तो बोलते ही बोलते थे, लेकिन पिटारा जो तेरे सपोर्टर जिनको तूने डिसऑन की, डिसऑन होने से पहले पहले ही उन लोगों ने भी यही बात की कि तेरा कोई वर्थ नहीं थी, तेरी कोई मेहनत नहीं थी। जब तलब के तू कसर को दिखाती नहीं है, उसके नाम का टाइटल थंबनेल नहीं लगाती है, तब तलब के तुझे कोई देखता नहीं है। और शुक्र मना के कौसर तेरी जिंदगी में आई, वरना तू आज है ना वाइटी पे कुछ भी नहीं होती। पता नहीं किसकी क्या आर बन के रह रही होती, जैसे तू शुरू में रह रही थी चैनल आने से पहले, कभी एजाज की तो कभी पियास की तो कभी रियाज की तो कभी दिशान की। और तुझे इस चीज से बड़ी ही तकलीफ के मुझे ये क्यों बोला जाता है कि कौसर के नाम के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और तू बैठ जाती थी लेक्चर देने के लिए कि अगर इतना ही कौसर में पावर होता तो उनके भाइयों के चैनल क्यों नहीं चल गए। तो इसका जवाब यही है कि भाइयों के चैनल तो बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन तूने फिर बंद करवा दी थी चैनल, इसलिए उनके चैनल नहीं चल गए। बाकी ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पिटारा को व्यूज नहीं आ रहे थे, तो पिटारा ने कौसर के नाम का थंबनेल लगा दी कि कौसर इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है कि नहीं। तो पिटारा, तेरे को ये बताने की जरूरत है, जो औरत खाने पे अपनी सौतन को नहीं लेके जाती है, सौतन के पास में हलीमा को छोड़ देती है, वो इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाएंगी? तेरी इतनी औकात है पिटारा? तू सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के नाम पे है ना अय्याशी कर सकती है। तू उसके पैसों पे घूम फिर के और घर गाड़ी बंगला ये सब ले सकती है, लेकिन उसमें से थोड़ा सी तू कौसर के पीछे नहीं लगा सकती। इतनी कोई तू गंदी और घटिया औरत है। तो तुझे ये टाइटल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू कौसर को कोई हाल में अपने साथ में नहीं ले जाएंगी। दुबई भी तू गई थी, नहीं लेके गई। चलो इंटरनेशनल तो छोड़ दो भाई, ये तो कश्मीर भी गई थी तो कौसर को नहीं लेके गई, वो कश्मीर भी छोड़ दो, ये तो खाना खाने के लिए ससुर को लेके गई तो कौसर को नहीं लेके गई। तो बस तू कौसर के नाम पे ना ऐसे ही व्यूज खा भिखारन और कौसर का सदका खाते रिया कर, जैसे डीडी करता है ना, पूरा ब्लॉग दिखा देता है, फिर वो टाइटल वाला लास्ट में बैठ के भौंकता है ना, उस तरह से पिटारा कर रही है। देख लो, मतलब के व्यूज की कितनी भूखी है ना ये औरत, अब नजर आता है। वैसे इस वीडियो में इसने बैल्कनी दिखाई, इस बैल्कनी को रमजान के साथ में मिल के इतने इतने अच्छे से प्यार से सजाई थी, और इसका शौक अब पूरा हो गया है। बैल्कनी की हालत देखो, हर एक फूल पौधे सब कुछ मुरझा चुके हैं, सूख चुके हैं, और इसको अब कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ शौक के मारे कंटेंट बनाने के लिए ये उसमें जान होती है, पौधों में भी एक तो जान लेती है, दूसरा पैसों की बर्बादी। कहाँ तो तू बड़ी बड़ी बातें करती है कि तेरे घर में दूध लाने के पैसे नहीं थे, तू दुकान वाले को लाइन मारती थी तो वो दूध देता था, और अब तेरे पास पैसा है तो इस तरह से तू पैसों का सत्यानाश कर रही है। और इंशाल्लाह जो टाइम तूने नहीं गुजारी है ना, जो तू झूठ बोलती है कि ऐसा टाइम था कि हम उधारी लेके खाते थे, तो वो टाइम इंशाल्लाह अल्लाह तेरे को दिखाएगा। बोलते हैं ना, जब इंसान को पैसों की कदर ना हो ना, तो फिर पैसा भी कदर करना छोड़ देता है और वो इंसान से दूर हो जाता है। तो तू जरूर तरसेंगी एक दिन इंशाल्लाह, एक एक लीटर दूध के लिए तू तरसेंगी। वैसे पिटारा कितनी फुगड़ औरत है ना, अगर इसके घर पे कोई मेहमान आ जाता है या कोई फैन आ जाता है या कोई सब्सक्राइबर आ जाता है, तो ये लाइव में बैठ के धमकी देती है कि मैं केस कर दूंगी उनके ऊपर। वही वाला केस जो रिश्वत दे के करवाया जा रहा था ना, वही वाला केस। हाँ, वही वाला। तो ये बैठ के धमकियां देती है, और खुद देखो मुंह उठा के किसी के भी घर में घुस जाती है कि मैं वेट चेक करने आई हूँ। सोचो, ये औरत जो इतनी प्रॉपर्टियां खरीदती है, इतने पैसे बर्बाद करती है, सारा कुछ करती है, इसके पास में वेट की मशीन नहीं है क्या? ये ले नहीं सकती है? छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें लेने के लिए मार्केट पहुंच जाती है, तो अगर ये एक मशीन खरीदने के लिए, वैसे भी काम धंधा तो कुछ होता नहीं है इसके पास में, तो गाड़ी में बैठ के चली जाती, मशीन लेके आ जाती। लेकिन इसने क्या बोली कि पहले मैंने हॉस्पिटल में चेक कराई थी, अब मैंने सोची कि मैं साइमा के घर पे जाके वेट चेक करा के आती हूँ। वाह 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 पिटारा, मतलब कि किसी के घर में घुसने का, फ्री में खाने का अच्छा बहाना है कि मैं वेट चेक करने के लिए आई थी। बाकी फिर मोटी ने वेट चेक की तो 1 किलो ज़्यादा निकला, तो फिर इतने कांटे को ही गलत बोल दी,
के हॉस्पिटल में की थी तो 75 था, यहाँ पे 76 है, तो ये कांटा सही नहीं है, हॉस्पिटल वाला सही था। हाँ पिटारा, जैसे तू हर एक कहानियाँ अपने हिसाब से बताती है बनाती है, जैसे कि तूने वो दिन बोली थी तेरी 29 की कमर है ना, जबकि दुनिया में 29 की कमर होती ही नहीं है, उसी तरह से तूने बोल दी कि ये मशीन खराब है, ये मशीन सही नहीं है, ये मशीन गलत है, तो भाई पब्लिक तो मान जाएंगी ना कि हाँ तू ही सही है, तू जितना भी झूठ बोल ले, तू जितना भी फ्रॉड कर ले, तू ही सही है। तो भाई खाए जा रही है, वहां पे जाके भी बोल रही है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे हलीम दिया है, मैं नहीं चखूंगी, मेरा वेट बढ़ रहा है, फिर लेके बैठ गई खाने के लिए, दिन रात ठूसते रहती है, घर का एक भी काम नहीं करना होता है। अगर टैंकर वाला भी इसके दरवाजे में आ जाएगा, कैमरा लेके टैंकर वाले के पीछे भी इसको दौड़ना है, लेकिन काम कुछ नहीं करना है, सब कुछ ठूसते रहेंगी, खाते रहेंगी, रोज रात को गाड़ी में बैठ के बाहर खाने के लिए चले जाती है, और फिर बोलती है कि मेरा वजन कम हो रहा था, और बोल रही है मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा वजन ज्यादा बताया उस कांटे ने, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, वो कांटा खराब है। अच्छा जिसके घर में गई है, जिसका वो है वेट की मशीन, उसको बोल रही है कि तुम्हारी वेट की मशीन खराब है, अरे तो बहुत ज्यादा सौकार बनती है तो खरीद लेती ना, इतनी क्यों भिखारीपना करती है, कभी तू हॉस्पिटल में जाके वेट चेक कराती है, तो कभी किसी के घर में घुस जाती है, शर्म नाम की तो चीज नहीं है तेरे अंदर, गंदी औरत। ठीक है इसका 76 नहीं 80 के ऊपर वेट होगा, बस उल्लू बनाने के लिए ना इसने कांटे को सेट करके और इसके ऊपर चढ़ गई होगी, वरना इसका जो दिखाई देता है ना वेट, वो 80 के ऊपर ही होगा। और क्या बोल रही थी पिटारा तू ये वीडियो से पहले के 29 की कमर है तेरी, और फिर जाके तूने चेक की है तो तेरी कमर के हिसाब से तो फिर वेट बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो कितनी बड़ी तू झूठी है ना, तेरे ही वीडियो से तू खुद को ही एक्सपोज कर देती है। और ये जो तू दुपट्टे के साथ में खेल रही है ना, ये तो तू छोड़ दे, जितनी तू गंदी औरत है ना, तेरे ऊपर सर पे दुपट्टा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जब मन में आता है सर पे से दुपट्टा छोड़ देती है, सीना दिखाती है, जब मन में आता है ढाक लेती है, समझती क्या है तू अपने आप को, जब मन में आता है अबाया तो चढ़ाती है, जब मन में आता है छोड़ देती है, और अभी तो काफी मेरे को लगता है 1 साल हो गया इसने अबाया छोड़ दी है, देख रहे होंगे आप लोग, और अब बीच में आप लोग देख लेना जब ये कराची के साइड कोई होटल में जाना रहेगा ना, तो ये अबाया पहन लेंगे, इतनी कोई ये गलीच औरत है। तो ये दुपट्टा जो तू 1-2 मिनट के लिए ले रही है ना सर पे, वो भी लेना बंद कर दे पिटारा, जो तेरी औकात है ना बस वैसे ही रहा कर, वैसे कितनी झूठी और मकार है पिटारा, खूब सारे कपड़े इसने ऑर्डर देके मंगवाए हैं और बोल रही है कि प्रमोशन के कपड़े हैं, इसको खोलूंगी नहीं, ऐसे ही बैग में पैक कर दूंगी, वहां जाके फिर इनको पहनूंगी, फिर वीडियो बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी इसने बहुत बार बताई है, जब भी कोई ओकेजन रहता है या कोई ईद त्योहार रहता है या कहीं घूमने जाती है, तो ये बताती है कि प्रमोशन के लिए कपड़े आ गए, आप लोग गौर करो जब भी इसको कपड़ों की जरूरत रहती है ना, तो ये बोलती है प्रमोशन के लिए कपड़े आ गए, और ये कपड़े जब ये पहनती है तो फिर उनका नंबर उनकी आईडी वगैरह शो क्यों नहीं करती है, क्यों प्रमोट नहीं करती है, अगर प्रमोशन के लिए आया है तो प्रमोट कर ना, प्रमोट तो तू करती नहीं है और झूठ बोलती है कि प्रमोशन के लिए आया है। अरे पिटारा ये सारा कुछ तू खरीदती है और पता नहीं फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं कपड़े, क्योंकि फुगड़ औरत है ना तू, तो फुगड़ औरत 4-4 5-5 दिन एक ही ड्रेस अपने आंग पे डाल के घूमती रहती है, और ये सारे कपड़े अल्लाह जाने कहाँ चले जाते हैं, या वापस कर देती होंगी कि मुझे नहीं पसंद आए तो साइज ऐसा है वैसा है बोल के पैसे वापस ले लेती होंगी, कितनी तू लालची और ड्रामेबाज और शातिर औरत है वो तो हमें पता ही है, तो इतनी हौड़ी और इतनी हलकट औरत है कि इसको कौसर को कपड़े आए हुए थे, बहुत जने ने कौसर को कपड़े दिए, लेकिन इसने कोई भी कपड़ा कौसर को नहीं दी, सारा के सारा इसने खुद ही रख ली, कितने बड़े दिल की मालिक है वो तो पता चलता है ना, कौसर की सारी चीजें रख लेती है, अम्मा के लिए दिखाती है मैंने फुट मसाजर लाई हूँ, फिर वो भी खुद ही रख लेती है, सारा कुछ खुद ही रख लेती है, अम्मा कुर्सी मांग मांग के आखिरकार अम्मा सऊदी चले गई, लेकिन अम्मा के लिए कुर्सी नहीं आई, तो पिटारा कितने बड़े दिल की मालिक है ना हमें अच्छे से पता है, इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, ये बच्चों से काम करवाती है, चाइल्ड लेबर रखी हुई है जो घर में, और इनके इधर कोई कायदा कानून कुछ भी नहीं है, और वो सब भी छोड़ दो यार, कायदा कानून वो सब भी छोड़ दो, इसके सीने में दिल नहीं है, वो हलीमा से ये इतने काम करवाती है, इसे वजन वजन उठाने लगाती है पिटारा, अगर तुझे इतना ही पत्थर दिल है ना तू,
बिल्कुल भी तुझे शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी तुझे एहसास नहीं है, तो तू अपने ही बच्चों से क्यों नहीं काम करवा लेती? अपने बच्चों से करवा ना। हाँ, अपने बच्चों को तो शोना बेबी पता नहीं क्या क्या तेरे मुंह के फायर तू करती है। हालत तो तेरे बच्चों की देख के ही समझ में आता है कि तुझे कितना प्यार है अपने बच्चों से, तो उनसे ही काम करवा लिया कर। बेशरम कहीं की बेशरम, मोटी कैमरा लेके एक कोने में बैठी हुई है और वो हलीमा को बोल रही है, इतनी वजन वजन वो बैग उठा के ला रही है, अपनी बेटी को बोल रही है जा मेरी पैंट उठा के लेकर आ। अरे पिटारा शर्म कर शर्म। और वो आया सो के, उठ के आई तो बोल रही है तुम सोती हो ना फिर भी मुझे याद आती है, इतनी याद आती है। अच्छा, उसकी हालत देख के ही पता चलता है कि तू कितना प्यार करती है और तेको कितनी याद आती है। बेशरम कहीं की, सब ड्रामे ना तू सिर्फ और सिर्फ एजाज के लिए करती है, वरना तेरे को ना बच्चों से किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तेरे को तेरी अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं है। तो बाकी इस वीडियो में इतने खूब काम करी, खूब काम करके दिखाई, पूरा कमरा नीट एंड क्लीन करी, सारी बेडशीटें इतने घड़ी करके रखी, बच्चे के बाल बनाई, उनको कपड़े पहनाई, उनके कपड़े निकाल के दी, सारा कुछ काम इसने करी। फिर बाद में ये नीचे आई, नाश्ता बनाई, फिर ये जो भी आटा वगैरह था वो सब निकाली, सारा कुछ इसने की। और ये बोल रही है अनीता ने घर साफ करके ऊपर चली गई है अपने बच्चों के पास। अरे काम तो तू कर रही है और बोल भी रही है कि बर्तन जैसे जैसे निकलते हैं ना वैसे वैसे मैं धोते जाती हूँ, तो फिर अनीता क्या कर रही है पिटारा? या अनीता तेरे से लड़ के खूब झगड़ा फसाद हुआ है, अनीता ऊपर रह रही है एक भी काम नहीं करवा रही है, या अनीता जा चुकी है तेरे घर से जो अनीता नजर ही नहीं आ रही थी और पूरा काम तू कर रही है और बोल रही है अनीता है अनीता कर रही है? अरे पिटारा किसको बेवकूफ बनाती है तू? कितनी बड़ी झूठी और मक्कार है तू, इतनी कामचोर औरत अनीता रहे और तू घर के काम करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये जो तूने कांड की है ना रमजान के साथ में, उसके वजह से ये अनीता कोई काम नहीं कर रही थी, शायद वो थी ही नहीं घर पे, शायद वो कहीं पे चली गई थी या तो गांव चली गई होंगी, है ना? तो इसके लिए तुझे घर के काम करना पड़ रहा था। और झूठी तो तू कितनी बड़ी है, बोल दी अनीता है, अनीता ने घर साफ करके ना ऊपर चली गई, सिर्फ अनीता हॉल का घर हॉल साफ करके ऊपर चली गई, बाकी तू बच्चों को नहला रही है, रूम साफ कर रही है, खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, कितना झूठ बोलेंगी पिटारा। बच्चों की छुट्टियां हो गई है, बच्चों की छुट्टियां हो गई, लास्ट पेपर थे, जान छूट गई, ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं बच्चों को खुद ही तैयार करती थी, खुद ही छोड़ के आती थी, खुद ही नाश्ता बनाती थी। पिटारा तू तो सो ही रहती थी, कभी कभी तू होटलों में रहती थी, कभी तू कमरे में बंद रहती थी, तेरा क्या लेना देना बच्चों से? जो तू तेरी जान छूट गई, तू इतना खुश हो रही है, ये क्यों नहीं बोलती कि तुझे अब अय्याशी करने के लिए बाहर निकलने मिलेगा, है ना, लॉन्ग ट्रिप पे जाने मिलेगा, इसके लिए तू इतना ज्यादा खुश हो रही है, ना कि तू बच्चों की पढ़ाई को लेके खुश हो रही है, लानत है तेरे ऊपर। बाकी इसने फिर जवाब दी कि कौसर हमारे साथ जा रही है कि नहीं जा रही है, तो कौसर नहीं जा रही है, इब्राहिम का पासपोर्ट नहीं है, कौसर का पासपोर्ट नहीं है तो वो हमारे साथ नहीं जा सकते, हाँ हम पाकिस्तान में टूर करते तो कौसर जरूर जाती है। अच्छा पिटारा, अभी तक के तूने कौसर को कहाँ कहाँ लेके गई है, या गोंचू ने उसको कहाँ कहाँ घुमाया है जो तू उसको आउट ऑफ कंट्री लेके चली जाती? वैसे तुम लोगों को जब जाना था सऊदी तो 15 दिन के अंदर अंदर तेरे तेरे बच्चों के सबके पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बन गया, और ये जो तू कौसर का और उसके बच्चे का बोल रही है ना पासपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कुछ दिन कुछ महीनों पहले गोंचू बता रहा था कि मैंने ये पेपर का करवा दिया, वो पेपर का करवा दिया, तू खुद भी बता रही थी कि हमने यहाँ पे दे दिए पेपर, वहाँ पे दे दिए, तो हम ये पेपर बना रहे हैं तो वो पेपर बना रहे हैं, और ये पासपोर्ट बनाना आजकल कोई मुश्किल काम तो है नहीं, जैसे कि जब लाइवें लगी थी इसके ऊपर तो लोगों ने बताए थे कि आजकल तो 2-4 दिन में ही बना के दे देते हैं, हाँ पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम है तो फौरन फौरन बन जाता है, ये क्यों नहीं बोलती कि तेरी औकात नहीं है उसको ले जाने की? ठीक है पैसा उसका है लेकिन अय्याशियां तू कर रही है, इतनी तो कोई झूठी और मक्कार है। जो लोग ये सारा काम कर चुके हैं, जो लोग अर्जेंट में पासपोर्ट बनवा चुके हैं, जो लोग ये सारी चीजें जानते हैं, वो लोग तो सोचते ही होंगे ना कि तू कितनी बड़ी मक्कार और झूठी औरत है, जब खुद का पासपोर्ट बनाना था तो तेरे छोटे से छोटे बच्चे का भी फौरन बन गया था, लेकिन जब कौसर के बच्चे की बात आई तो पासपोर्ट नहीं बन सकता। अरे जब ये औरत पाकिस्तान के पाकिस्तान में ही नहीं लेके जाती है उसको, कहीं पे कश्मीर तलक के नहीं लेके गई तो ये उसको इंटरनेशनल घुमाने लेके जाएंगी, औकात है इसकी? झूठी मक्कार कहीं की। कौसर का थंबनेल लगा के, कौसर का नाम लेके, कौसर की पिक्चरें लगा के उसके नाम से पैसे कमाने हैं, व्यूज खाने हैं बस, बाकी उसके हक में जितना खर्चा करना चाहिए, जितना उसको देना चाहिए
सब मोटी खुद ही हजम कर करके बैठ जाती है, ये बेशरम। अच्छा, इस वीडियो में ना ये सुबह से लेके 2-3 घंटे का वीडियो बताई कि मैंने पूरे घर का काम की, मैंने नाश्ता बनाई, और बार बार बोल रही थी कि गोंचू 6 बजे उठ के आता था, बेल बजाता था तो हम उठते थे, आज बेल नहीं बजाया, हमने खुद ही उठ गए। और फिर जब लेक्चर देने के लिए बैठी तो बोल रही है, नेगेटिव कमेंट आते थे कि ये ज्यादातर तुम्हारे पास रहता है, कौथर के पास नहीं रहता है, तो देख लो अभी 12:30 बज गए, अभी तक लग के नहीं आया है, स्कूल की छुट्टी हो गई है तो वो रिलैक्स हो गए। अच्छा, फिट आ रहा मक्कार औरत, इसके लिए तू बार बार बोल रही थी क्या कि वो बेल देता है तो हम उठते हैं, आज बेल नहीं हुई, आज गोंचू नहीं आया, आज मैं नाश्ते में सिर्फ हमारा नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि वो अभी तक लगाए नहीं है। अरे वो तेरे इतारे पे नाचने वाला लट्टू है और टट्टू है वो, और तू बोल रही है कि वो वहां पे कितना रहता है ना, अब तो तेरी खुद की ऑडियंस भी बता रही है, और तू तो आ गई इतने इतने कमेंट का जवाब देने के लिए भी तू उठ के आ गई। तेरी जो सिस्टर बनी हुई है उसको इतनी जिल्लत मिल रही है वाइटी पे, उसके लिए नहीं आई तू जवाब देने, नेगेटिव कमेंट का जवाब देने तू फौरन आ गई, लक दिलाना थे पिटारा तेरे ऊपर। और बोल रही है कि रोज रात को गोंचू उधर ही होता है, जबकि आप लोग देखते होंगे कि गोंचू इसी के पास में रात में भी यहीं रहता है, दिन में भी यहीं रहता है, लेकिन यह औरत तो झूठ बोलते हुए शर्म ही नहीं आती है कि अब तो ऑडियंस वीडियो में देख रही है कि कभी वो उभैर सोया हुआ है, तो कभी वाले कमरे में सोया हुआ है, तो कभी कहाँ सोया हुआ है, खुद भी वो अपनी वीडियो में बता रहा होता है कि आज मैं यहीं पे सोऊंगा, आज मैं थक गया हूँ तो मैं यहाँ सो रहा हूँ, कभी हॉल में सोया हुआ नजर आता है, और ये बोल रही है कि ये रोज वहां रहता है। पिटारा तेरी ऑडियंस अब है ना तुझे जूते मार रही है, तो थोड़ी सी शर्म कर ले। सच में यहाँ ये औरत को झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी ना हिजक होती है ना शर्म आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत ज्यादा बेशर्म और बहुत गिरी हुई औरत है, खुलेआम झूठ बोलती है, इसको खुदा का भी खौफ नहीं आता है कि मैं इतना झूठ कैसे बोलूं। बोल रही है कि हमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, वहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे भी बच्चे हैं, वो वहाँ पे भी पूरा पूरा टाइम देता है, यहाँ पे भी पूरा पूरा टाइम देता है। वाह पिटारा वाह, दिन रात वो तेरे दरवाजे पे पड़ा रहता है, घर में लोटा हुआ पड़ा रहता है, दिन रात तुझे गाड़ी पे ले लेके घूमता रहता है, और तू बोल रही है कि उसको बराबर का टाइम देता है, लक दी लानत है तेरे ऊपर। एक्सेप्ट और कॉम्प्रोमाइज है ना सिर्फ और सिर्फ कौतर कर रही है, तू कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, तू कहीं से कोई कोई कौतर की चीज को लेके तू कुछ भी एक्सेप्ट नहीं की है। ठीक है, देखो जब मन में आता है तू कौतर को गालियां खिलवाती है, जब मन में आता है कौतर के पास भेजती है, जब मन में आता है नहीं भेजती है, और बोल भी रही है कि मैं खुद भेजती हूँ उनको। क्यों तू साथ लगी पड़ी है गोंचू गेंडे को, तू क्या बेटा समझती है अपना जो तू भेजती है, शर्म आती है तुझे? अभी 2 दिन पहले तुम लोग जो रेस्टोरेंट गए हो तो कौसर को क्यों नहीं लेके गए? अगर बराबर का तुम लोग दे रहे हो उसको हक, तो फिर उसको भी ले जाना चाहिए था, जैसे गाड़ियों में तेरे को ले लेके घूमते रहता है फिरते रहता है, उसको अब तलक के कहाँ लेके गया? वो इब्राहिम जब से पैदा हुआ है घर में ही पड़ा है, तू तो अपने इतने इतने से बच्चे लेके घूमते रहती थी, कभी पार्क में जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ, कौसर को कहाँ लेके जाता है? आप लोग खुद बोलो, हॉस्पिटल के अलावा वो भी 2-3 बार, उसके अलावा कौसर को कहाँ लेके गया है ये? कोई रेस्टोरेंट में लेके गया है? बच्चे के आने की खुशी में कोई पार्टी हुई, कोई खैर खैरात हुई, कुछ हुआ, चिल्ला हुआ, छट्टी हुई, कुछ भी नहीं, और ये बोल रही है बराबर का हक देता है। लानत पिटारा तेरे ऊपर हजारों दफा लानत है, और जो तू कौसर के साथ कर रही है ना वो सूद समेत तुझे वापिस मिलेगा, ऊपर वाला देगा, क्योंकि बोलते है ना यहाँ का यही भरना पड़ता है। तेरे को लग रहा है कि तू ये सब कुछ कर लेंगी और तू ऐसे ही अय्याशी वाली है और अच्छी जिंदगी गुजार गुजार के तू मर जाएंगी, तो ये तेरी गलत फहमी है, तू भुगतेंगी, तू इससे भी ज्यादा है ना खून के आंसू रोएंगी। बस वो बोलते हैं ना अभी ऊपर वाले ने ना तेरी रस्सी को ढील छोड़ा हुआ है, जिस दिन तेरी रस्सी ऊपर वाला खींचेगा ना तुझे तेरी औकात याद आ जाएंगी, देख लेना। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।